दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2000 में रिलीज हुई म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी मोहब्बतें से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, मोहब्बतें एक हाई स्केल मल्टी स्टारर रोमांटिक फिल्म थी जिसकी लीडिंग कास्ट में हमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ मल्टीपल न्यू कमर्स देखने को मिले थे। और इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे यश चोपड़ा। तो दोस्तों, ये बात है इस फिल्म की इनिशियल प्लानिंग यानी प्री प्रोडक्शन स्टेज की, जब मोहब्बतें फिल्म के मेकर्स ने सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को भी इस फिल्म में एक स्पेशल रोल ऑफर किया था और वो इस फिल्म में शेफाली शाह यानी नंदिनी खन्ना के हस्बैंड के रोल में नज़र आने वाले थे। और इस फिल्म में उनका किरदार एक आर्मी ऑफिसर का दिखाया जाना था, मगर इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने फिल्म की लेंथ को ध्यान में रखते हुए इस रोल को ड्रॉप कर दिया और फिर मिथुन चक्रवर्ती ने भी इस फिल्म से एग्जिट ले लिया। और इसके अलावा श्रीदेवी भी इस फिल्म का हिस्सा होने वाली थी, जिन्हें अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट एज लव इंटरेस्ट दिखाया जाना था, मगर फिर ये रोल भी अननोन रीजंस की बेसिस पे स्क्रैप कर दिया गया था। और अगर इन कास्टिंग फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो मोहब्बतें एक इमेंसली बिग फिल्म होने वाली थी जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी जैसे बिगेस्ट सुपरस्टार्स एक ही साथ दिख सकते थे। और मेरे ओपिनियन में अगर ये स्टार कास्ट एक साथ आ जाती तो इस फिल्म का रिजल्ट 2x हो सकता था, जहाँ ये यूनिक कॉम्बिनेशंस इस फिल्म को वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस तो दिलवाते ही और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी डबल हो सकते थे। तो दोस्तों, बाकी आप सबकी क्या राय है इन कास्टिंग फैक्ट्स को लेके? अपना ओपिनियन हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।